हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं राइस राणा और आप देख रहे हैं राइस राणा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाएं आपके चैनल पे। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आप क्या करें और किस तरह से अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हैं, वो भी एक दिन के अंदर। मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि बड़े ही दुख के साथ में मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है और उसे मैं किस तरह से आपके सामने हटाता हूँ एक दिन के अंदर। तो दोस्तों, पहले तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले, और आप भी ये चाहते हैं कि आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी मैं टेक्निकल वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मुझे कौन से मेरे चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो प्राप्त हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे चैनल का स्क्रीन शॉट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे अपने चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक प्राप्त हुई है। अब इस स्ट्राइक को मैं आपके सामने हटा करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको लाइव कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे अपने कौन से चैनल पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो प्राप्त हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्रोमा में जाते हैं, अपने चैनल में लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं अपने चैनल में लॉगिन हो गया हूँ। तो देखिए, ये मेरा एक चैनल है जिसका कि नाम प्रिया सैनी है, प्रिया सैनी नाम करके चैनल है। इस पे ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे खाते पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक प्राप्त हुई है। इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि विवरण देखिए, इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मुझे स्टार स्पोर्ट्स इंडिया द्वारा 12 फरवरी 2019 को ये कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ क्लिक करना होगा। ठीक है, इस जो ये रेड कलर का है यहाँ पे क्लिक करना होगा और नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में जो यहाँ पे ये दावेदार है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है दावेदार, तो यहाँ पे ये उनकी जीमेल आईडी है। मैं दो तरीके से अपनी जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हटा सकता हूँ। एक तो ये कि जो जो जीमेल आईडी दिखाई दे रही है इस पे उनको जीमेल कर देता हूँ और इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि सर प्लीज़ आप जो ये अपना कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हटा लीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो हटाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं हटाते हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली बैक आऊँगा और बैक आ करके, और जो मेरा ये वीडियो प्रबंधक है, वीडियो मैनेजर है, इसके अंदर आ जाऊँगा मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये लोड हो रहा है। इस तरीके से मैं अपने मतलब वीडियो मैनेजर में आ जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, जिस वीडियो पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक प्राप्त हुई है उस वीडियो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में जो ये क्रियाएँ हैं यहाँ पे क्लिक करके और मिटाई यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस वीडियो को मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद में ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो मेरी समाप्त हो जाएगी। अभी तो मुझे कॉपीराइट कितने दिनों के लिए मिली है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, जो स्ट्राइक है वो कितने दिनों के लिए मिली है? तो ये स्ट्राइक मुझे 3 महीने के लिए मिली है। ठीक है, ये देखिए 12 फरवरी 2019 को मुझे स्ट्राइक मिली है, और जो स्ट्राइक की समाप्ति डेट है वो है 13 मई 2019, यानी कि 3 महीने तक लगातार ये स्ट्राइक मेरे, अगर वो जिसने भी मुझे स्ट्राइक दी है वो अगर ये स्ट्राइक नहीं हटाता है तो 3 महीने तक ये स्ट्राइक मेरे चैनल पे रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप ये नहीं चाहते हैं कि कभी आपको, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी आपको ये कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले, और इसके लिए आप ये चाहते हैं कि आपको कभी भी ये स्ट्राइक ना मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ रायसर राणा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आप अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हटा सकते हैं। 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो कि आप जिन्होंने भी आपको, आपने जिनका भी मटेरियल यूज किया है उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, वो अपने आप ले लेंगे अपने स्ट्राइक वापस, या फिर अपने वीडियो को यहाँ से डिलीट करके भी आप अपनी जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हटा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।